नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप इस वक्त देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज। भारत सरकार के कृषि विभाग के संयुक्त सचिव श्री अतीश चंद्रा आज बेगूसराय पहुंचे तथा समाहरणालय स्थित कारगिल सभागार में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में डीएम राहुल कुमार सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के बाद जिलाधिकारी राहुल कुमार ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार ने जिले की समीक्षा के उपरांत द्वितीय चरण में बेगूसराय जिले के 25 गांवों का चयन किया है, जिसमें विशेष कार्यक्रम और अभियान चलाकर आर्थिक रूप से किसानों को समृद्ध बनाने की योजना है, जिस पर कार्य प्रारंभ भी हो गया है। जिसकी समीक्षा के लिए केंद्र सरकार के कृषि विभाग के संयुक्त सचिव ने कुछ गांवों का आज दौरा किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि बेगूसराय के वातावरण और मिट्टी के हिसाब से जो ज्यादा फायदेमंद फसल होगी उसकी वैज्ञानिक खेती के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, ताकि हम कम लागत में किसानों को दुगुनी आमदनी प्राप्त हो सके। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों की आमदनी को दुगुना करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसी की समीक्षा के लिए भारत सरकार के कृषि विभाग के संयुक्त सचिव श्री अतीश चंद्रा सर आ गए थे, जिन्होंने गांव में एक जो कार्यक्रम था उसको भी संबोधित किया और सभी जो हमारे कृषि से रिलेटेड पदाधिकारी हैं उनकी समीक्षा बैठक।